बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुश आबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ जो है वो आज मैं अपना शाम का खाना बनाने के साथ कर रही हूँ। तो शाम के खाने में आज मैं बना रही थी बिरयानी। तो बिरयानी के लिए जो है वो मैंने सबसे पहले तड़का तैयार किया, उसमें जो है ना वो सारे नमक मिर्च मसाले टमाटर वगैरह डालने के बाद अब इसमें चिकन शामिल करने लगी हूँ। इसको अच्छी तरह भूनूंगी चिकन को, और जो है वो बिरयानी का मसाला तैयार करूँगी। मैं जो है वो तवे वाली सिंपल आसान सी जो बिरयानी है ना वो बनाने लगी हूँ। आज जो है वो काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मैं बिरयानी बनाने लगी थी। तो यहाँ पे जो है वो मैं साथ साथ ग्रेवी तैयार कर रही थी बिरयानी की, और साथ साथ जो है ना वो मैंने चावल भी बॉयल करने के लिए रखे हुए थे। तो एक चूल्हे पे जो है वो चावल उबल रहे हैं, दूसरे चूल्हे पे जो है वो सालन तैयार हो रहा है जो ग्रेवी है बिरयानी की। तो सिंपल आसान सी जो बिरयानी है वही बनाऊंगी। और आज जो है वो मैंने अपनी वीडियो का जो आगाज़ है ना वो मैंने शाम के खाने के साथ किया। मैंने कहा आज जो है वो पहले आपके साथ शाम की रूटीन शेयर करती हूँ, और उसके बाद जो है वो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग की जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। के अंदर जो है वो बाद में मैंने दही शामिल किया था, और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। जब ये पक पक के बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो अब इसकी जो है वो मैं तहें लगाने लगी हूँ। सबसे पहले नीचे मैंने ग्रेवी डाली है, उसके ऊपर बॉयल चावल डाले हैं, चावलों के ऊपर ही जो है वो मैंने लेमन और सब्ज़ धनिया डाल दिया था। फिर जब मैं दम लगाने लगती हूँ ना, अक्सर ही ऐसे होता है कि मैं भूल जाती हूँ और मुझे बाद में याद आता है, इसलिए जब मैंने चावल बॉयल करके रखे थे ना उनके ऊपर ही मैंने लेमन और सब्ज़ धनिया जो है वो भी मैंने डाल दिया था। तो अब इसकी दो तहें लगाऊंगी और इसके ऊपर जो है वो ज़रदा कलर डालूंगी और इसको दम पे रख दूंगी, और 15 से 20 मिनट इसको दम पे रखूंगी और मेरी बिरयानी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो बस मेरी सिंपल सी सादा सी जो है वो बिरयानी थी, ज़्यादा वो मैंने नहीं कुछ भी किया। तो यहाँ पे जो है वो तहें जो है वो मैंने लगा दी हैं। तो अब जो है इसके ऊपर मैं डालने लगी हूँ ज़रदा कलर डालूंगी और इसको जो है वो दम पे रख दूंगी। साथ जो है वो मैंने दही की चटनी बनाई थी, सिंपल जो चटनी होती है वो मैंने साथ बना ली थी, क्योंकि बिरयानी के साथ मैं वो दही भल्ले वगैरह वो मैं नहीं बनाती हूँ, और साथ जो है वो मैंने सलाद बना लिया था। तो चटनी की तो है वो सादा सा ही था कि बस उसमें सब्ज़ धनिया कूट के डाल लिया था। तो अब ये जो मैंने सलाद काटा है इसमें मैंने आइसबर्ग सलाद है, साथ में प्याज है और साथ में खीरे हैं। प्याज जो है वो मेरे हस्बैंड को पसंद है, मुझे पसंद नहीं है। उसके ऊपर जो है वो मैं सलाद का मसाला डाल रही थी, और बस मेरा सलाद भी तैयार हो चुका था। जितनी देर में दम रेडी होगा उतनी देर में जो है वो मेरा सलाद भी तैयार हो चुका था। तो यहाँ पे जो है वो मेरी बिरयानी भी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको जो है वो अब इसको पलट के देखते हैं, और उसके बाद जो है इसको प्लेट में निकालूंगी और मेरी बिरयानी जो है वो तैयार हो जाएगी। मेरे हस्बैंड जो है वो भी काम से आ गए थे जब तक मेरी बिरयानी तैयार हुई थी, और फिर हम लोगों ने मिल के बैठ के जो है वो शाम का खाना खा लिया था। शाम का खाना खाने के बाद फिर सारे बर्तन धोए हैं, जो बाकी बिरयानी बनाते हुए जो बर्तन गंदे हुए थे वो तो मैंने साथ साथ ही धो लिए थे। तो बाकी जो बर्तन है वो फिर मैंने जो खाना खाया है या दूध के जो बर्तन थे वो फिर मैंने जो है वो बाद में धो लिए थे। तो यहाँ पे जो है वो अब बिरयानी को प्लेट में निकालती हूँ, और निकालने के बाद जो है वो अपने हस्बैंड को दूँगी और बाद में अपने लिए डाल के तो बैठ के जो है वो शाम का खाना खा लेंगे।
तो खाना शाना खाने के बाद मैं आई थी बाहर, और बाहर जो है वो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। मैंने कहा आपके साथ जो है वो शाम का खूबसूरत जो है वो सीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, बहुत ही प्यारा जो है वो बाहर का शाम का मंज़र था, और घरों में लोगों की लाइट जल रही थी। 4:30 बजे जो है वो अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तो तब तक जो है वो मैंने खाना वगैरह खा लिया था। अभी बर्तन वगैरह धोने वाले थे तो मैंने कहा वो मैं बाद में धो लेती हूँ। तो ये देखें, लोगों ने क्रिसमस के हवाले से जो है ना वो घरों में लाइटिंग वगैरह भी शुरू कर दी है। यहाँ कौन सा वो जो है ये अपार्टमेंट है, तो यहाँ पे जो है ना खिड़कियों में ही लोग लाइटिंग करके तो अपना शौक पूरा कर लेते हैं। तो सारे काम शाम ख़त्म करके ये देखिए, मेरे बच्चे माशाल्लाह से सो चुके हैं दोनों, और साथ जो है वो माशाल्लाह दोनों बेटियां सो रही हैं। और हमारा यहाँ पे जो है वो आज के दिन का अख्तितम हो गया था। मैं जो है वो फिर आपके साथ जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग की जो है वो वीडियो शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे जो है वो हमारी अगली सुबह हो चुकी है। बच्चों को जो है वो उनको फारग करने के बाद उनके कपड़े वगैरह चेंज किए, जो भी उनको ब्रश वगैरह करवाया, छोटी बेटी का पैम्पर डायपर वगैरह चेंज किया। और उसके बाद जो है मैं आ जाती हूँ किचन में। बच्चे जो है वो फिर बाबा के साथ खेलने लग जाती हैं, और मैं जो है बच्चों को फ्रेश करने के बाद जो है वो नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने हस्बैंड को नाश्ता बना के दे दिया था, वो अपना बैठ के नाश्ता कर रहे थे, साथ बेटी को भी बना के दे दिया था। सबसे एंड पे जो है वो मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, और डेली की मेरी यही रूटीन है कि अपने लिए जो है वो एंड पे नाश्ता बनाती हूँ। साथ साथ जो है वो हमारी चाय भी तैयार हो चुकी थी, तो यहाँ पे चाय भी छान लेती हूँ। चाय छान के अपने हस्बैंड को दूंगी, और अपनी चाय जो है वो लेके और अपना नाश्ता जो है वो यहाँ पे बैठ के कर लेंगे। तो हमारी जो है वो डेली की बस यही रूटीन होती है, यही सारा कुछ होता है। यहाँ पे जो है वो मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद छोटी बेटी को भी उसका खाना खिलाया है और उसको सुला दिया था। और उसको सुलाने के बाद मैं आ गई थी ये बालकोनी में। ये मैंने पौधों का थोड़े से गमले वगैरह चेंज करने थे इनके, कुछ ये मैं बाहर से मिट्टी लेके आई थी, पीछे जंगल है वहाँ से जो नॉर्मल मिट्टी होती है वो लेके आई थी। तो कुछ गमलों में ये वाली मिट्टी डालनी थी। और ये जो मेरा पौधा है, मुझे इसके नाम का नहीं पता, तो ये इसका गमला बहुत छोटा सा था, तो मैंने कहा कि इसको बड़े गमले में रखती हूँ। साथ ये नीचे ट्रे लेके आई थी, क्योंकि इसके नीचे जो है वो सुराख थे, ताकि सुराख में से नीचे पानी ना गिरे और गंद ना पड़े, इसलिए इसको अब जो है वो बड़े, ये देखें इतना छोटा सा ये गमला है, इसकी जड़ें जो है वो नीचे से बाहर निकल रही थी। तो अब जो है इसका मैं गमला चेंज करूँगी, सबसे पहले इसमें मिट्टी डालूंगी और ऊपर थोड़ी सी दूसरी जो खाद वाली मिट्टी होती है वो डालूंगी, उसके बाद इसका गमला चेंज करके इसको पानी दे के सेट कर दूँगी। कोने में, क्योंकि बाहर अच्छी खासी जो है वो ठंड थी, तो मैं उन्होंने कहा कि छोटी बेटी जो है वो फिर अंदर खड़े होकर रोती रहती है बाहर मुझे देखते हुए ना, कि वो सो रही है, तो मैं जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म कर लूँ। गर्मियाँ हो या नॉर्मल मौसम हो फिर तो कोई इतना मसला नहीं होता, लेकिन आजकल क्योंकि ठंड है, अच्छी खासी ठंड है, तो बच्चे जो है वो बाहर, फिर मुझे ये होता है कि बीमार ना हो जाए, क्योंकि वो जैकेट और अपर वगैरह तो उन्होंने पहना नहीं होता, जो घर में नॉर्मल कपड़े होते हैं वही पहने होते हैं। तो यहाँ पे इसका मैंने गमला चेंज कर दिया है, इसमें मिट्टी डालूंगी और इसको अच्छी तरह जो है वो दबा के मिट्टी डाल दूंगी, और इसको फिर पानी डाल के, तो ये वाला जो है वो मेरा गमला जो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, और ये मिट्टी भी मैंने काफ़ी दिनों से ला के रखी हुई थी कि इसका जो है ना वो मैं गमला चेंज करूँगी, लेकिन ये है कि बस आज करती हूँ कल करती हूँ, बस इसी तरह जो है ना वो टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे जो है वो इस पौधे का गमला चेंज कर दिया था, और ये जो पौधे मैंने लगाए हुए हैं इनके अंदर मैंने नॉर्मल मिट्टी डालनी थी, ये वाली जो केमिकल वाली मिट्टी है ना, तो ये देखें इसकी कॉम्पलें कितनी अच्छी जो है वो निकल आई हैं, दोनों पौधों की जो है वो कॉम्पलें निकल आई हैं, और इसका तो एक पत्ता भी निकल आया था। तो इसके अंदर मैंने ना नॉर्मल मिट्टी डालनी थी, जो दूसरी मिट्टी है ना वो बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है, 1-2 दिन में ही पानी इनका खुश्क हो जाता है, तो थोड़ी सी इसमें नॉर्मल मिट्टी डालूंगी ताकि ये कुछ दिन जो है वो थोड़ा से ना फ्रेश रहा करें।
क्योंकि दूसरी नॉर्मल मिट्टी जो है वो भी ज़रूरी होती है, तो वो नहीं थी तो मैंने ऐसे जो है ना वो खाद वाली में ही डाल लगा दिया था। अब इसमें थोड़ी सी नॉर्मल मिट्टी डालूंगी और इनको पानी दे के इनको वापस जो है वो अपनी जगह पे रख दूंगी सारे पौधों को। और जो मैंने मनी प्लांट की जो बेल लेके आई हूँ उसका भी मैंने गमला चेंज करना है, उसके नीचे मैंने अभी कुछ भी नहीं रखा हुआ था, तो इंशाल्लाह किसी दिन उसका भी गमला जो है वो चेंज करूँगी। अब जो है वो अभी मैंने घर के कोई भी काम ख़त्म नहीं किए, सारे बर्तन भी धोने वाले हैं और किचन की सफाई करने वाले सारा कुछ, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बेटी के सोते सोते जो है ना वो ये वाले काम मैं ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं ये सारे काम ख़त्म कर रही थी, तो ये सारे काम ख़त्म करने के बाद जो है ना वो फिर इन पौधों को वापस रखूँगी और बाकी जो है वो आज के दिन के जो रूटीन के काम है ना वो शुरू कर लूँगी। वो इंशाल्लाह ताला जो बाकी रूटीन के काम है ना वो मैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह जो है वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, तो इस वजह से जो है वो मैंने आपके साथ बस यहाँ तक ही जो है वो अपना आज का रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो है वो मेरे गमले बिल्कुल रेडी हो चुके थे, इनको मैंने पानी वगैरह भी लगा दिया था। और पानी वगैरह लगाने के बाद जो है अब आपको जो है वो बाहर का सीन दिखाती हूँ। बाहर मौसम कुछ इसी तरह का है, ठंड भी थी और बस जैसा आजकल मौसम होता है वैसा ही मौसम था। तो अब इन गमलों को सेट करने के बाद जो है इनको उठा के ले जाते हैं और अंदर जा इनको रखते हैं, और बाकी जो है वो फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में अपनी रूटीन शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।